हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो? आज हो आप सभी अच्छे होंगे और हम तो बढ़िया है, आप भी सब बढ़िया होंगे। दोस्तों फिर से आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। जितने भी मुझे इस समय देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार। और आज दोस्तों मैं आपको अपना जो छोटी सी मार्केट है कोरिशहर, उसका पूरा भ्रमण दिखाऊंगा, अपने कोरिशहर मार्केट दिखाऊंगा इस समय। और इन पहाड़ों के बीच में जीवन यापन शैली के लिए जो छोटी मोटी दुकानें हैं, लोग अपना रोजगार कर रहे हो, उन सभी से वार्तालाप की वो पूरा आगे वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। इसी तरह बने रहे। और ये कोलिशन मार्केट जनपद पौड़ी गढ़वाल ब्लॉक रिखनी खाल पैनो घाटी के अंतर्गत आता है। इस समय मैं उत्तराखंड से हूँ। तो दोस्तों इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को यूं ही देखते रहे। नए व्यूअर जितने भी हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों जो मेरा मार्केट देखोगे आप, मैं लास्ट से शुरू करता हूँ क्योंकि मैं ड्यूटी से आ रहा था। तो इस समय मैं डायरेक्ट, मैंने कहा आज का ब्लॉग इसी पे बनाया जाए और लास्ट से शुरू करता हूँ और अंत तक घर तक पहुँचने की आपको वीडियो दिखाया जाएगा। इसीलिए बने रहे वीडियो में और अपना प्यार इसी तरह देते रहे। ओके दोस्तों, कुछ तो बात है ये, मैं पहुँचा हूँ आखिरी घर पौड़ी शहर का, एक गुरुदीप का घर और बच्चे इस समय झाड़ू अभियान में बोलो। अरे प्रकाश भाई का घर है, प्रकाश खत्री। हे बाबू के नाम से तैयार है, वैष्णवी, बहुत सुंदर नाम। जान से क्या नाम वैष्णवी, मतलब क्या कुको कुको तो शायद घर नाम से। और यहाँ पे भाभी जी क्या फिर रही है, और बाप रे बाप अगेटी तो भाई कमाल की है, इतनी बड़ी अगेटी आ रही है। केवल जी माध बढ़ दे रहे ना, कैसे रहना जो अगेटी दे रहा है। हाँ जाति, हाँ जाति जैन। और बड़े भाई साहब उस्ताद, और ठीक चल रहा काम। ये भाई संतोष पटवाल, शैलेंद्र पटवाल की खेती बाड़ी, धनिया लहसुन गोभी प्याज। ये भाई संतोष पटवाल के कड़कनाथ और बाकी घर की मुर्गियाँ, के गाय बच्ची। और यहाँ पे शैलेंद्र पटवाल भाई, क्या ये बटन मशरूम का केसिंग मिट्टी है? दोस्तों चलते हैं आप जहाँ बटन मशरूम लगा हुआ है, वे बने हुए ले चलते हैं संतोष भाई के। चलो देखते रहे दोस्तों। और क्या हाल चाल, चलो और पहुंच चुके हैं हम संतोष भाई के बटन मशरूम के फार्म में। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा रैक बने हुए हैं बांस के, आगे पीछे दोनों साइड दिखाया होगा। ये आज मैंने भर दिया है और तो साइड नहीं रहा है, इसलिए आपको पूरा भरते हुए नहीं दिखा रहा हूँ। इसमें 1.5 इंच भरना है, ये मैंने थोड़ा नाप बनाया है। अच्छा, 1.5 इंच का इस तरीके से आपके हिसाब से। अच्छा, और यहाँ से फैला देना है ये मिट्टी अलग होती है, इसमें 2 साल पुराना गोबर होता है। अच्छा, और थोड़ा रेत भी डालते हैं हमसे और मिट्टी भी डालते हैं। स्वरोजगार के तहत मुर्गी पालन से लेके खेती बाड़ी से लेके और बटर मशरूम तक 3-4 छोटे छोटे धंधे से शुरू कर रखा है, बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। तो बने रहे दोस्तों जुड़े में और आपको आगे ले चलते हैं। अभी खुलने वाला है कुछ टाइम के बाद, मेरा जो कि यहाँ पे आ गया हूँ। अच्छा, कुछ टाइम के बाद कोली हाउस के लिए भी अप्लाई किया है, कोली हाउस भी बनेगा, उसमें बताएंगे हम बाद में आपको। आप वीडियो में बने रहिए राउत फैमिली पहाड़ी पहाड़ी में। तो मिलते हैं हम आपको फिर बाद में, जब और काम होंगे गाँव में और किस तरीके से रोजगार क्रिएट करना है आपको, तो हम उस विषय में भी बात करेंगे आने वाले टाइम में। क्यों दादी? ओके ठीक है, बाय संतोष। ये ट्यूबवेल लगाता है हम। ये कोलिशन के मार्केट बड़े भाई साहब। ओ भाई नमस्कार, ठीक ठाक काक है? ये देखिए मेरे बड़े भाई साहब के मकान में, दुकान में, कंट्रोल की दुकान है ये सरकारी सस्ते गले की। लग ही नहीं रहा कि ये कंट्रोल की दुकान होगी सरकारी सस्ते गले की। यहाँ ऐसा लग रहा कि ये शोरूम होगा अलग अलग बाइक के। ये देखो अपाची का शोरूम, ये TVS का, होंडा साइन का, डिस्कवर हीरो होंडा एक्टिवा सभी लगे हुए यहाँ। ये देखो ये सरकारी सस्ते गले की दुकान। राशन आ रहा क्या?
अच्छा ये पूरा राशन आया हुआ इस समय, देख सकते हो आप पूरा। ये बड़े भाई जी श्री नारायण सिंह रोड तो खतरा 1965 से ये कंटिन्यू होटल चल रहा है, बहुत बड़ी बात है 1965 से चलना। और साहब आप बताइए ठीक से, और हमारे है क्या बोलो ना नाना जी, नाना जी ना वो ससुरा सा मामला था ना इस समय चाय पीते हुए तो दुकान निपट ऑफर लड़का चले नहीं थोड़ा। अच्छा हाँ हाँ जरा तुम्हें बोलो दारा भाई ये बिल्डिंग बनती हुई मेन मार्केट पोजिशन में, इसमें बेसमेंट बिछा रहे इसमें। हेलो गाइस, अरे हमारे कुलदीप भाई और दारा भाई ये चलते हैं, आपको इससे पहले ब्लॉग में देखा होगा आपने फ्रेंड्स दोस्तों की पार्टी में। और यहाँ पे भी इनका मकान लग रहा है, खुदाई चल रही है। और फिलहाल ये वेलकम 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 करते हैं उनके यहाँ पे दुकान का कॉस्मेटिक्स से लेके बाकी कुछ बताएंगे, बताओ भाई। हाँ सभी सभी लोगों को कुलदीप भाई का नमस्कार, आइए हमारी शॉप या कॉस्मेटिक शॉप, लेडीज कॉस्मेटिक और सिलाई सिलाई सेंटर भी है। किसी को भी अगर सिलाई से संबंधित कुछ भी सिलवाना हो तो हमसे संपर्क करिए, हमारी दुकान रोटड़ी में मेन मार्केट होती है। और दूसरी बात यहाँ के अगर हमारे हरे चाहे लेडीज सामान भी है, ये कुर्तियाँ हैं और बहुत सारे कॉस्मेटिक लेडीज के लिए उचित दर पर यहाँ पर सामान मिलता है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7464963705 पे आप कॉल कर सकते हैं कुछ सामान के लिए। दूर के लिए भी होम डिलीवरी भी हो सकती है। और बाकी आप देख रहे हैं सामान भी बढ़िए दोस्तों, अगर आपको लेडी सामान से संबंधित है जितने भी लेडी है आप दे सकते हो यहाँ लेडी आइटम पूरा यहाँ सब कुछ। हमको मैं तो जानते नहीं क्या क्या आइटम है, पर लेकिन श्रृंगार जितने भी होते हैं सब लेडीज सामान यहाँ उपलब्ध है दारा भाई के, क्योंकि उनकी वाइफ भी बैठती है ना साथ में। मेरी वाइफ भी बैठ, थोड़ा एक बार रेट बता दो अगर कहीं। 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर, 2 लीटर का 550 रुपये और 3 लीटर का 750 रुपये और 5 लीटर का 950 रुपये। तो आप देख सकते हो लीटर के सके ये कुर्तियाँ हैं। आप है संकी लाला, बहुत ही ईमानदार अच्छा लड़का, अड्डा कट्टा मोटा। हाँ शुभम ना, वैसे शुभम नाम है पर लेकिन शुभम नाम बहुत कम जानते हैं, सिर्फ संके नाम से जानते हैं इसको। और आप देख सकते हो पूर्व मार्केट है बड़ा में है ना, कोडशन मार्केट शायद जनरल स्टोर महावीर सिंह गुसाई ग्राम खाल वालों की दुकान है इस समय। आप देख सकते हो यहाँ पे बैठे हुए जोनी भाई, आजकल जोनी भाई संभाल रहे इस दुकान को, लाला जी ने छुट्टी ले रखी इस समय। और भाई साहब कैसे हो, कोटवार से है जो नहीं भाई, और पूरा माल यहाँ पे हर सामान सस्ता मार्केट पोरिशन मार्केट है इसमें, कोई मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ पर लेकिन सबसे सस्ता मार्केट है मेरे जितने भी यहाँ मार्केट लोकल में है पोरिशन मार्केट। आप संपर्क कर सकते हो, और यहाँ पे परचून की दुकान में थोक मार्केट थोक रेट पे मिलता है आप देख सकते हैं यहाँ पे। और क्या हाल चाल है, सब बढ़िया और यहाँ पे नट्टू भाई की कदा साल काम करना जो 8 साल हो गए कंटिन्यू भाई की ईमानदारी देख के उन्होंने बदला नहीं भाई को, और 8 साल हो गए कंटिन्यू यहाँ पे। एक FPO है कोडिशन कार्यालय भंडारा, इससे पहले भी लोग मैं आपको दिखाते इसके बारे में डिटेल से आप देख सकते हो। ये उनका इस समय बंद हो चुका है, इस समय टाइम 5 बज चुके हैं। और यहाँ पे अक्षिता किराना स्टोर खाल वाले की दुकान है ये, पंकज भाई बैठे हुए। और भाई साहब क्या हाल चाल है, रिकॉर्डिंग ये सब अच्छा यहाँ पे ये
भाई साहब बोले टूरिस्ट कैब बन रहा है, टूरिस्ट लोगों के लिए बन रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, कुछ विकास तो हो रहा है यहाँ पे। पर्णोघाटी पुस्तक भंडार देख सकते हैं कितनी शानदार बिल्डिंग है गुरु जी का। उनको दिखाते हैं चौहान जी की दुकान है यहाँ पे, भाई साहब बड़े भाई साहब की, लेडीज सामान सभी उपलब्ध रहता है और यहाँ पे रखाता हुआ एक दुकान है, बड़े मात्रा में लग रहा है मुझे तो, बहुत ज़्यादा दे रहे आप लोगों ने। अच्छा फिलहाल कमी है, बाइक इतना समय कर दिया और बाइक सब ठीक चल रहा है बढ़िया। अच्छा तो आप बाकी अगर कोई संपर्क करना चाहे तो कॉन्टेक्ट नंबर है नहीं बोला जी? अच्छा कॉन्टेक्ट नंबर आप डायरेक्ट आ सकते हो पुलिस स्टेशन में, क्योंकि नेताजी है तो शायद लोग परेशान करेंगे, इसलिए कॉन्टेक्ट नंबर नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं जी हैं। बच्चों के खिलौने से लेके परफ्यूम यहाँ पे, और यहाँ पे ये फोटेशर की दुकान, यहाँ पे गुरु जी आए हुए दिलवर सिंह भाई। कितना छो भाई? ओ भाई नमस्कार, कितना छो? काम धंधा है? अच्छा यहाँ पे काम चलता है वैसे, यहाँ पे बच्चा अपना खेल खेलते हुए। क्या नाम से तुम्हारे बाबू? अवनी छे बस, यहाँ पे अवनी प्रेम से खेलते हुए बच्चे। और बीड़ो बनाड़ा मिलियो फर्स्ट क्लास, तुम घर देखो ये मकान कोडन का, ये पहनो घाटी पुस्तक भंडार ना से कुछ ठीक था। यहाँ पे उचित मात्रा में दुकानें किताबें और वो मिलती है गाइड। इससे पहले शिक्षा विभाग से रिटायर है दोनों हस्बैंड वाइफ, और हाँ मैं शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक जूनियर स्कूल से रिटायर हुआ हूँ, और वैसे यहाँ पर मैं 10 साल संकुल प्रभारी भी रहा, और मैं पंचायत ढोंडियाल में उस समय एक संकुल था, वो दो साल कितने साल हो गया, मैं सन 2008 में रिटायर हो गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे जनता हेयर कटिंग भाई जी ने श्री विनोद कुमार, ये बहुत पहले से करते हैं पर इस समय थोड़ा उन्होंने स्टैंडर्ड दुकान की बढ़ा दी है, और बहुत ही अच्छे मार्केट है और स्वरोजगार का बहुत ही अच्छा साधन है ये नई पीढ़ी। आज डिजिटल फोर्सिस्ट दिनेश भाई का है यहाँ पे, इस समय दुकान में नहीं है देख सकते आप, पोजिशन है बहुत ही अच्छी फैसिलिटी बैंक के अंदर। कुछ हार्डवेयर यहाँ पे संजो भाई, संजो जित्तू भाई जन संजय जनरल स्टोर, दुकान दिखाते हैं आपको के दुकान भाई, और उनके वाइफ इस समय हाँ भाई भी दे रहे थे। अरे यहाँ पे मोमो समोसे चाउमीन सब आइटम बनते हैं, और बहुत ही अच्छे बर्थडे केक भी बनता है। आप फास्ट फूड के नाम से यहाँ पे ये मार्केट है, पोर्शन मार्केट में पूरी दुकान देख सकते हो आप, दोनों हस्बैंड वाइफ लगे हुए हैं, क्योंकि केक बनाने में जी तो भाई का कम हाथ और उनके वाइफ का बहुत अधिक हाथ रहता है देखो इस समय, और पैसे सारा जी तो भाई ले जाता है, कुछ दिया करो उधर भी है। अच्छा हर मैंने अमन फोटी का रिचार्ज कर दिया था मैं। और दोस्तों अगर आपको बर्थडे केक या मोमो चाउमीन कुछ भी मंगाना हो, और ये हमारे खेत है दोस्तों, यहाँ से देखिए आगे तक 6 खेत है, दो ये सामने है बाकी 4 नहर के ऊपर। यहाँ पे देखिए मोनू यहाँ पे समोसा खाता हुआ, अरे मोनू का साथी क्या नाम से भाई? अंशो, अब पूछ भी नहीं रहे हमें, और भाई कुटाई मंडाई और तेल निकालने की मशीन आप ली जरा। हाँ ये तिवारी मेडिकल स्टोर, इससे पहले ब्लॉग में आपने देखा होगा एक स्पेशल ब्लॉग बनाया था मैंने तिवारी मेडिकल स्टोर का, ऐसे में भाई गया हुआ है कहीं। अरे तिवारी भाई इस समय ठंड का प्रकोप ज़्यादा ही है, और आ चुके हैं यहाँ पे भाई तिवारी, कहाँ गए थे भाई? दोस्तों कल सर दर्द हुआ मुझे, पता नहीं या ठंड से हुआ या कुछ ऐसी चीज़ खा ली जिससे गैस हो गया, तो मैंने कहा बी पी चेक करवा लेता हूँ, तो भाई साहब बी पी चेक करते हैं, देखते क्या रिजल्ट निकलता है इस समय। वैसे ऐसी कुछ शिकायत तो है नहीं, पर फिर भी देखते हैं।
ये है अजय भाई और ये सब हम कहाँ लगे बाजार जा रहे हैं। समय पता नहीं क्या माल लेने शॉपिंग। अच्छा और अच्छा रात दिन में क्या करता है? अच्छा दिहाड़े मजदूरी करता है भाई दिन में। और बस दोस्तों पहुंच चुका हूं अपने घर के थोड़ा आगे सड़क से, चलते हैं अब नीचे। ये रास्ता है पोल्यूशन मार्केट से मेरे घर का, ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है। और जहाँ नए घर में हम रहते हैं यह आ चुका है मेरा घर। देखते जाइए दोस्तों, आई यहाँ पे हमारी गाय बच्चे रहती है। यहाँ पे फ़िलहाल टेम्परेली व्यवस्था कर रखा है इनके लिए। अंदर दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों इस समय कितनी गाय बच्ची है हमारे। वावो पहुंच चुका हूँ घर में। डोगो कहाँ था? कौन? अच्छा ए बाबू परदी जय करो। कहाँ है? मेरे बच्चा बोला मैंने भोलेनाथ बना रखा है। देखो मेरे बच्चा बहुत ही धार्मिक बच्चा है। ये देखो साफ शिवलिंग बना हुआ है यहाँ बिल्कुल रखा हुआ उसने, इतना है धार्मिक। और दोस्तों मेरे बच्चे ने आज शिवलिंग बनाया है, कहा पापा आप चलो वहाँ, मैं तुझे कहूँगा। चलते दोस्तों बच्चे के साथ। ये चला गया मेरा बच्चा। क्या कर रहा है बाबू? ए बाबू मुझे कर रहा है क्या मांगा भोलेनाथ से? तो दोस्तों आपको आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। और अगर कोई नया व्यूअर जुड़ा है हमसे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और घंटे के बटन को दबाना ना भूले। तो दोस्तों इस तरह अपना प्यार बनाए रखे। क्या हुआ? बाय बाय कर दो बाबू। बाय बाय करो। बाय बाय दोस्तों, देखते रहना हमारे चैनल को। बाय बाय दोस्तों, हमारे चैनल को देखते रहना। राव फैमिली पहाड़ी को। राव फैमिली पहाड़ी को। अच्छा। हमारा चैनल है रावत फैमिली पहाड़ी। वेरी गुड, हमारा चैनल है रावत फैमिली पहाड़ी। ओके पार कर दो। बाय।